एक बेटा अता किया गया। इशाए नबी का सहीफा 9:1-6 आए। उस वक्त ऐसा होगा कि जो कौम तारीकी में चलती है वो बड़ा नूर अता करेगी। जो मौत के साए के मुल्क में बसते हैं उन पर नूर चमकेगा। तूने फ़हद को बढ़ाया, तूने खुशी को ज़्यादा किया। वो तेरे सामने खुशी करते हैं, ऐसी खुशी जैसी फसल काटने या गनीमत बांटने में होती है, क्योंकि उसकी मशक्क़त के जुए को किनारे की लाठी को और उसके सरकोप के आसे को तूने ऐसा तोड़ डाला जैसे मदियान के दिन में हुआ। क्योंकि हर वो जूता जो हंगामे में टापता था और हर एक खून आलूदा जिबा जलाने के लिए होगा और आग से जलाया जाएगा। क्योंकि हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ और हमको एक बेटा अता किया गया और सदारत उसके कंधे पर है और उसका नाम ये है, यानी अजीब मशीर, खुदाए कादिर, अब अब्दी, सलामती का रईस, दाऊद के तख्त और ममलिकत पर उसकी हकूमत की इकबाल मंदी और सलामती की इंतहा ना होगी, ताकि इस वक्त से लेकर अब तक उसे कायम करे और अदल और सदाकत से उसको मुतहकम रखे। रबुल अल्फाज की गैरी ये करेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, खुदावन का नाम मुबारक हो हमेशा तक। ए खुदावन के अब्दो सना गाओ, खुदावन के नाम की हमद करो इस वक्त से लेकर हमेशा तक, खुदावन का नाम मुबारक हो। जमायती जवाब, खुदावन का नाम मुबारक हो हमेशा तक। आफ्ताब के जाए तलू से उसकी जाए गरूब तक खुदावन का नाम ममरू हो। खुदावन सब कौमों पर मुतहल है, इसका जलाल अफलाक से आले हैं। जमायती जवाब, खुदावन का नाम मुबारक हो हमेशा तक। खुदावन हमारे खुदा की मानित कौन है जो आलम बाला पर तक नशी हैं फिर भी फरोतनी करके आसमान और ज़मीन पर निगाह करता है। जमायती जवाब, खुदावन का नाम मुबारक हो हमेशा तक। वो मस्कीन को खाक से उठा लेता है, मोहताज को खसो खाशाक से ऊंचा कर देता है, ताकि उसको उम्रा के साथ बिठाए, हाँ अपनी उम्मत के उम्रा के साथ बिठाए। जमायती जवाब, खुदावन का नाम मुबारक हो हमेशा तक।